गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा वायु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है, गैसें हैं, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं उसे? हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। जो वायुमंडल होता है, इसके द्वारा हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती है, साथ ही सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे भी हमारी रक्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में क्या है कि यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अर्थात अगर वायुमंडल नहीं हो तो दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा कि हम जलकर नष्ट हो जाएंगे, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अर्थात अगर वायुमंडल नहीं हो तो दिन में तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और रात में ज़्यादा ठंड होगी, तो इतनी ठंड होगी कि हम जम भी सकते हैं। अतः वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, अर्थात वायुमंडल ने जो पृथ्वी का तापमान है, इस तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आती है वो पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है, तो जब वो वापस जाती है तो उन्हें रोकने का काम कौन करता है? उन्हें रोकने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है, किंतु जब कारखानों एवं कार से धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इसमें ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। देखिए, अगर प्राकृतिक रूप से अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर तापमान को बढ़ाती है तो वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है, लेकिन जब प्रदूषण के माध्यम से, धुआं के माध्यम से, कल कारखानों से निकली गैसों के माध्यम से अगर वायुमंडल में प्रदूषण होता है तो फिर इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो वायुमंडल है इसको ज़्यादा गर्म कर देती है, और इसे हम कहते हैं भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, अर्थात तापमान ज़्यादा होगा तो जिन क्षेत्रों में ठंड होती है उन क्षेत्रों में जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पिघल जाती है। जल स्तर में भी वृद्धि होती है, समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जल स्तर में वृद्धि होने से क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे जो जलवायु, उस जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो जो पशु है और जो कुछ जीव है, जो कुछ पेड़ पौधे हैं, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका महत्व देखा। इसके बाद में देखिए, हम वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। वायुमंडल का संगठन क्या है? क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल में सबसे बड़ा भाग है, अर्थात नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा
हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस, ओजोन गैस और ऑर्गन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये हमारे वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं और इन्हें हम इस वृत्तारेख द्वारा देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 78%, अर्थात सबसे ज़्यादा जो भाग है वो नाइट्रोजन गैस का है और कितना है? 78% है। इसके बाद में देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे आता है इसका नंबर, और ऑक्सीजन गैस है वो 21% है। कितनी है? 21% है। इसके बाद में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑर्गन गैस है वो 0.93% है, 0.93%, अर्थात इसका मतलब है 1% से भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 1% से कम है और अन्य सभी गैसें 0.04%, ये भी 1% से कम है। ठीक है, तो हम बात करें तो 78 और 21% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, बाकी ये जो सभी गैसें हैं ये सभी गैसें लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। इसके बाद में हम देखें तो नाइट्रोजन जो गैस है, ये नाइट्रोजन गैस वायु में सर्वाधिक उपस्थित होने वाली गैस है। नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन का भाग भी ले जाते हैं, अर्थात हम श्वसन क्रिया के लिए तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जो नाइट्रोजन का भी चला जाता है और फिर उसे बाहर निकालते हैं। परंतु पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात पौधों को अपना जीवन चलाने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते, वे सीधे रूप से जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अर्थात जो जीवाणु होते हैं वो जो जीवाणु को नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और उन जीवाणु के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पहुंच जाती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। देखिए, जो पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे हम उपयोग में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जिनको पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। अगर हम क्या करें, पेड़ पौधों को काट देंगे तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का जो चक्कर चल रहा है इसका जो संतुलन है ये संतुलन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पादप होते हैं, वो भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, अर्थात जो मनुष्य है और जो पशु है वो पशु क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं से जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे पादप क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग ली जाने वाली गैस के बराबर होती है जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है, अर्थात हम क्या करते हैं, परिवहन के साधनों में और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उनमें कोयला, इसके अलावा
जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनके माध्यम से क्या होता है, हानिकारक जो गैस निकलती है उनसे ये संतुलन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है और इसके माध्यम से जो जलवायु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है।